हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करेंगे एक्सिस बैंक के पीबीआरएम प्रोग्राम के रिजल्ट के रिगार्डिंग, जो कि सेकंड लिस्ट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि एक लिस्ट ऑलरेडी निकल चुकी है। क्लासेस स्टार्ट हुए या नहीं हुए उसके लिए, और जो न्यू वैकेंसीज कब आएगी उसके रिगार्डिंग भी मैं बात करूंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उनका नहीं आया है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, आज है 23 नवंबर, 23 नवंबर है आज, ठीक है। और आज क्लास स्टार्ट हो गया है पीबीआरएम का, ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं। मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि क्लास उनका स्टार्ट हो गया है। वैसे आज इंट्रो क्लास था, आज सारा कुछ बताया गया, मतलब प्रोग्राम्स के बारे में, जो इंटरनल मतलब जो कोर्स से रिलेटेड बातें हैं, जो यूनिवर्सिटी और बैंक से रिलेटेड बातें, वो सब बातें आज बताई गई। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आज से क्लास स्टार्ट हो गया है, ठीक है। दूसरी बात है, सेकेंड लिस्ट के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो उनको एक मेल किया था, मतलब मैंने अपने स्टूडेंट को बोला था उनको मेल करने के लिए, तो उन्होंने उनको मेल लिखा, ठीक है। और आफ्टर 2 डेज उनको एक रिप्लाई आया और उनको कहा गया कि स्टे ट्यून्ड फॉर अपडेट्स, ठीक है, मतलब कि मे बी अपडेट आ सकता है, स्टे ट्यून्ड कहा है उन्होंने। तो बट ऐसी पॉसिबिलिटी लगती नहीं है कि रिजल्ट मतलब सेकेंड लिस्ट आएगी, क्योंकि आज से क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, तो अब सेकेंड लिस्ट के चांसेस नहीं हो सकते हैं कि वो आए। तो जो भी लोग सेकेंड लिस्ट की वेट कर रहे थे, या आपने अगर इंटरव्यू दिया है आपका रिजल्ट नहीं आया, इट मींस के अब रिजल्ट नहीं आएगा। बट जैसा उन्होंने कहा है स्टे ट्यून, तो इन केस अगर कुछ ऐसा होता है, हो सकता है कि वो बैचेस वाइज डिवाइड कर करके क्लासेस मतलब स्टार्ट करें, जैसे कि अभी एक बैच का क्लास स्टार्ट हो गया है, मे बी 2-3 मतलब बैच में वो बांट दे, तो मे बी ये पॉसिबिलिटी है। वैसे ये श्योरिटी नहीं है, ये मैं आपको अपने साइड से पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेकेंड लिस्ट आने के अब चांसेस ना के बराबर हैं। अब बात रही वैकेंसीज की कि न्यू वैकेंसीज कब आएगी, जब आप इसकी वेबसाइट पर जाओगे, मैंने वेबसाइट पर भी चेक किया, तो अभी वैकेंसी जो है न्यू विंडो मतलब न्यू एप्लीकेशन अभी क्लोज है, वहाँ पर ऐसा कुछ रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है नहीं। तो कुछ दिनों के बाद मे बी नेक्स्ट मंथ या फिर न्यू ईयर में, मतलब कि जनवरी में मे भी इसकी न्यू वैकेंसी आ सकती है। तो जैसे ही न्यू वैकेंसीज की आती है मैं वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा, या अगर रिजल्ट के रिगार्डिंग भी कोई भी ऐसी अगर अपडेट होती है तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो अपडेट रहने के लिए एक तो आप वीडियो के थ्रू आप अपडेट रह सकते हो मेरे चैनल पर, दूसरा है कि मेरे चैनल पर जब आप जाओगे तो आपको कम्युनिटी सेक्शन वहाँ पर एक दिखेगा, ठीक है। तो उस कम्युनिटी सेक्शन में मैं वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है, वीडियोज भी वहाँ पर लिंक अपडेट करता हूँ रिसेंट वीडियो का, और साथ में जब मैं लाइव आता हूँ तो उसके रिगार्डिंग भी वहां पे अपडेट करता हूं। तो आप वो चेक करते रहा करो, और एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लो। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट थी। आई नो कि आप में से बहुत लोग ये वेट कर रहे होंगे सेकंड लिस्ट का, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अब मैंने आपको बता दी जो अपडेट थी, तो आई होप कि वो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।